दोस्तों आज हमारे पास है देखिए 10 वे का गैंग बॉक्स है, पीबीसी गैंग बॉक्स 10 वे, कैसे 1 2 3 4 5 और 5 ये, तो ये हो गया दोस्तों 10 वे का पीबीसी गैंग बॉक्स। ठीक है, इस पर हमने लगाने हैं 4 सॉकेट, 1 2 3 4। अब इसमें सॉकेट कैसे कटेंगे, अगर आपने पहली बार अगर आज तक काम नहीं किया है, जिनने किया है तो उनके लिए तो आसान वीडियो हो सकता है, लेकिन जिन्होंने जो खुद करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो थोड़ा सा सीखने लायक रहेगा। तो दोस्तों इसमें ये देखिए पीछे से इसमें सांचे बने हैं, देखिए इनको हम तोड़ेंगे। ठीक है, ये है, ये तोड़ेंगे तो 4 सॉकेट हमारे, 4 सॉकेट लग जाएंगे और 4 सॉकेट के 4 स्विच लगेंगे, उसके बाद 2 स्विच बच जाएंगे। 2 स्विच में दोस्तों हमारे 2 बल्ब का कनेक्शन होगा, और ये सारे कनेक्शन मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। फिर भी कहीं पर आपकी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, आपके पास केवल एक प्लायर, एक टेस्टर और एक पेचकस आपके पास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, ये देखिए जो हमारा ये मैं कहता है सॉकेट के लिए, इसको हमने ऐसे करके सॉकेट का हिस्सा ये ऐसे काट लेना है, ऐसे तोड़ लेना है। ये ऐसे इसके बने होते हैं या ऐसे टूट जाते हैं। ठीक है, ये कंपनी से हमारे इसमें खांचे बने होते हैं काटने के लिए, तोड़ने के लिए, तो इसको हमने ऐसे ही तोड़ लेना है। ऐसे हम 4 के 4 तरफ से इसको हम तोड़ लेंगे। देखेंगे हमारे, देखिए 4 सॉकेट के हमारे खांचे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें लगा देंगे सॉकेट, हमारे पास एंकर पेट्रा के ग्रेट वाइट के, दोस्तों ग्रेट वाइट के हमारे पास पड़े हैं स्विच और सॉकेट, इनको फाड़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर से इसके 2 स्क्रू होते हैं, ये देखिए इसके अंदर आपको मिलते हैं दोस्तों 2 स्क्रू और ये सॉकेट। ये सॉकेट को आपने ऐसे लगा लेना है। ठीक है, ऐसे करके लगा लेना है, उसके बाद से इसमें 2 स्क्रू होते हैं, ये इसको आपने निकालने हैं। ठीक है, इनके जो नट है नट खोल लेने हैं और इनमें लगा के पीछे से आपने इसको स्क्रू को टाइट कर लेना है। दोस्तों आप देख रहे होंगे, देखो फाइनली हमने एक स्विच बोर्ड कस दिया है। ठीक है, ये एक स्विच इसमें कम है, तो हमारे 1 2 3 4 स्विच हो जाएंगे दोस्तों हमारे 4 सॉकेट के, और एक स्विच हो जाएगा हमारा किसका, बल्ब का मान लेते हैं। एक बल्ब का कनेक्शन कैसे देते हैं, बल्ब का कनेक्शन भी इसी बोर्ड में आपको मैं सिखा दूंगा। तो इस वाले स्विच को ऐसा करते हैं, सेंटर वाले स्विच को हम यहाँ पर लगा लेते हैं, तो हमारे सॉकेट के स्विच के साइड में हो जाएंगे, और बीच में एक जो स्विच होगा वो हो जाएगा हमारा लाइट का। तो दोस्तों अब हम लेंगे, देखिए हमारा स्विच बोर्ड बन चुका है। अब हम करेंगे पहले सबसे स्विच में हम डालेंगे इसमें दोस्तों एक वायर पूरा मिलाएंगे, नीचे वाले जो हमारा टर्मिनल होता है इसमें करके आपको दिखाता हूँ मैं। इसके लिए हम ये वायर छील लेंगे, जैसे कि ये वायर है। ठीक है, इसको हम नाप लेंगे। ठीक है, इतना आ रहा है तो इसको हम छील लेंगे। शायद जैसे अगर जैसे मैं वायर को छील रहा हूँ, शायद आपसे ऐसे वायर नहीं छिले। ठीक है, तो आप इसको आग में गर्म करके भी छील सकते हैं। ठीक, ये यहाँ पर आ गया हमारा, इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे, बढ़िया तरीके से बना लेंगे इसको लपेट के। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, शानदार है, इसको हम कस लेते हैं। दोस्तों देखिए इसको हम ऐसे साइड से डाल लेंगे, ठीक है, इसको हम कस लेंगे, राइट साइड वाला कस लेंगे, बीच वाले से हम एक लूप ले लेंगे ऊपर के स्विच के लिए। ठीक है,
यहाँ से बीच वाले से हम इनमें दोनों में मिला लेंगे। फिर हम वायर का टुकड़ा लेंगे, इतना इसको छील लेंगे, ठीक है ऐसे। अगर आपसे ऐसे वायर नहीं छिलेगा तो आप आग से गर्म करके भी छील सकते हैं। ये स्विच के दोस्तों हमेशा आपका जो करंट है ना वो स्विच में आना चाहिए, स्विच में हमारे हमेशा आप फेंस देंगे। इसको हम बढ़िया तरीके से टाइट करके घस लेंगे दोस्तों, ये देखिए। ये आपने कस लिया, इसके बाद से हमने इसे नीचे से कनेक्शन देना है, तो हम इसको इतना काट लेंगे। ठीक है, ये काट लिया, इसको हम दे देंगे नीचे से कनेक्शन। ये दोस्तों हमारी देखिए स्विच की वायरिंग हो गई है। अब हमने सॉकेट को करंट देना है। सॉकेट को करंट देने के लिए हम लगेंगे दोस्तों इसमें ब्लू कलर का वायर, ताकि आपको अंदाजा आ जाए। ये हमने ब्लू कलर का वायर ले लिया, इसको हम यहाँ से इस वायर से स्विच से कनेक्शन देंगे इसमें, तो वायर नाप लेंगे इतना, एक टुकड़ा काट लेंगे। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में डालेंगे, सेम ऐसे दोस्तों हम चार के चार कनेक्शन अपने सॉकेट में कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा देखिए फेस का, हमारा फेस
स्विच में गया और स्विच से मारा सॉकेट में गया, ये दोस्तों हमारा फेस का काम हो गया। ठीक है, जैसे हम स्विच अपना ऑन करेंगे तो हमारी लाइट हमारे सॉकेट में चली जाएगी। अब हमने देना है दोस्तों इसको न्यूट्रल, और न्यूट्रल कैसे देंगे, न्यूट्रल के लिए दोस्तों हम ले लेते हैं ग्रीन वायर। ठीक है, ताकि आपको अंदाजा है इसलिए मैं ग्रीन वायर ले रहा हूँ। एक वायर जोड़ लेंगे इसमें, सॉकेट का जो दूसरा टर्मिनल बचा है देखिए इसमें जोड़ लेते हैं। यहां से हम इसको यहां जोड़ लेते हैं, इसको काट लेते हैं। यहां से हम दो वायर मिक्स कर लेंगे, आपस में कनेक्ट कर लेंगे इसको दोस्तों। लूप लूप लूपिंग भी कहते हैं ये, देखिए हमने यहां से लूप कर लिया। ठीक है, यहाँ से लूप कर लिया इसको दोस्तों, यहाँ से हम इस वाले सॉकेट में लूप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ और यहाँ से फिर हम दूसरे वाले सॉकेट में लूप कर लेंगे इसको। यहां से हम डाल देंगे इसको साइड वाले में। तो इसको हमने यहां डाल दिया, यहां से हम डालेंगे इसको, एक सॉकेट हमारा बचा है इसमें डाल देंगे। तो हमारे चार के चार सॉकेट को हमारा न्यूट्रल मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम इसको लूप कर लेंगे, एक को हम मेन बना लेंगे दोस्तों यहाँ से लूप करके। ठीक है, इसको हम यहाँ डाल देंगे। और एक हमें ये मेन वायर निकाल लेंगे, ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा हरा वाला। ठीक है, सारे कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, ये हरा वाला हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा सॉकेट के दूसरे वाले पिन से पिन टू पिन चलेगा। ठीक है, दूसरे वाले पिन से। और जो हमारा फेस है इसको हमने फेस देना है दोस्तों, इसको मेन फेस देना है। इसके लिए हम रेड वाली वायर जोड़ देंगे। किसी भी स्विच में जोड़ सकते हैं रेड वाली, देखिए यहाँ पे हमारे ये मेन है, ये दो ये मेन है नीचे वाली, तो यही जोड़ लेते हैं हम, या यहाँ जोड़ लेते हैं। ठीक है, हमारी दो ये मेन निकल गई हैं। अब दोस्तों हमारा एक स्विच बचा है, देखिए कौन सा बचा है, ये हमारा देखिए सेंटर वाला स्विच बचा है, इसमें हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक वायर यहाँ से जोड़ लेंगे पूरे वाले से। इसमें हम एक बल्ब, जैसे आपको अगर बल्ब जाना है, अभी मेरे पास बल्ब है नहीं, बल्ब जोड़ना है, तो एक वायर इसमें से ऊपर को एक वायर यहाँ से ले लेंगे, एक ले लेंगे हम दोस्तों न्यूट्रल ग्रीन वाले से। ठीक है, ग्रीन वाले से न्यूट्रल लेंगे, उसको बल्ब होल्डर में जोड़ देंगे, और यहाँ से न्यूट्रल लेंगे उसको होल्डर में जोड़ देंगे। तो हमारा इस वाले स्विच से हमारा होल्डर भी चलना शुरू हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। अगर उसके बाद भी आपको कनेक्शन में कोई दिक्कत होती है, आप अगर खुद कर रहे हैं दोस्तों, देखो जिनको काम आता है उनके लिए बहुत आसान है, जिनको काम आता है उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन जिसको काम नहीं आता उसके लिए बहुत मुश्किल है। ये कनेक्शन भी करना उसके लिए बहुत मुश्किल रहता है। अगर आपको घर में ऐसा कनेक्शन करना है, अगर आपने बोर्ड बनाना है, सॉकेट लगाना है, इसमें बल्ब जोड़ना है, देखो बल्ब जोड़ने के लिए हमें क्या करना है ना, इसका ऊपर वाला टर्मिनल छूटा है, इसमें आपने एक वायर जोड़ के निकाल लेना बाहर को लंबा, जितने में आपने होल्डर लगाना है, और एक वायर आपने न्यूट्रल, जो हरा वाला हमने न्यूट्रल बना रखा है, न्यूट्रल से ले लेना डायरेक्ट।
ठीक है, उसको आपने हॉटर में जोड़ देना है दो के दो तार, तो आपका क्या होगा, इस वाले स्विच से आपका फिर बल्ब ऑन ऑफ हो जाएगा। बाकी हमारे इस स्विच से ये ऑन ऑफ हो रहा है, इस स्विच से ये ऑन ऑफ हो रहा है, ऐसे साइड बाई स्विच से हमारे ये हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप, मेरा नंबर है मेरे अबाउट सेक्शन में मेरे पेज के, तो वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।